राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, बोले ये देश की 130 करोड़ जनता का अपमान। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तो हो गया, लेकिन सियासी बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता एक दूसरे पर चुनाव के बाद भी आरोप और सियासी बयानों का तीर चला रहे हैं। ये पूरा मामला हाल ही में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के वर्ल्ड कप मैच से जुड़ा हुआ है। दरअसल अहमदाबाद में 19 नवंबर को आयोजित इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया की टीम से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। फाइनल में मिली इस हार के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। कई नेताओं ने इस हार के लिए विशेष लोगों को जिम्मेदार बताया है। चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान के बाद सियासी तपिश बढ़ गई। बीजेपी ने राहुल गांधी के जरिए दिए गए बयान पर ऐतराज जताया। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे देश के 130 करोड़ जनता का अपमान बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसे हैं। उनको पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबके लोकप्रिय नेता हैं, शायद ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री का नहीं, देश की 130 करोड़ जनता का अपमान है। इंदौर एक विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसका निर्णय खुद जनता तय करेगी। बीजेपी के सीनियर नेता विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के संस्कार क्या हैं, ये जनता फैसला करेगी। इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं राहुल गांधी के इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस नेताओं की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि जरा सिखाएं राहुल गांधी को और उन्हें संस्कार दें। राहुल गांधी को बताएं कि भारत के संस्कार और संस्कृति कैसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।